नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज जालौन। जालौन माधवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंगरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बस में धमाका हुआ और आग लग गई। जानकारी के अनुसार जनपद के उरई से जगमनपुर जा रही एक प्राइवेट बस में अचानक से तेज धमाका हुआ और बस के एक हिस्से में आग लग गई। अचानक से इस घटनाक्रम से बस में चीख पुकार मच गई और बस में सवार लोगों ने किसी तरह नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। हालांकि इस घटनाक्रम में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में राहगीरों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उच्च अधिकारियों को बस में धमाके की सूचना मिलते ही जिले का सुस्त प्रशासनिक अमला किसी अनहोनी की आशंकाओं के चलते सतर्क हुआ। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आला अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह, क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ संजय शर्मा, डीएल यादव भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की गहनता से जांच पड़ताल की तो ऐसा लगता है कि बस में रखी बैटरी में धमाका हुआ और बैटरी फट गई। आगामी 15 अगस्त को देखते हुए प्रशासन हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। क्या नाम है आपका? ब्रज किशोर। कौन से गांव से हैं आप? हजलपुरा। क्या मामला है, कहां से आ रहे थे आप? उरई से आ रहे थे। उरई से आते उनका नाम बंगरा में बिटिना को उतार रहे थे। बिटिना को वहीं छोड़ देंगे ससुराल में बिटिना के, उसके बाद हम चले जाएंगे। सब ने धमान को बंद किया तो धमान आ गए और उतरने लगे। उतने में जैग में कुछ झोला में था, एकदम आगे से झूठ एकदम फटाकर चला और बस इतने में लग गया। लगभग कितने लोग सवार थे उसमें? इतने होंगे कम से कम 20-25 लोग होंगे कम से कम। कितने लोगों को चोटें आई लगभग? तीन लोगों। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। क्या आप बस में कौन है आप? कंडक्टर। क्या मामला है पूरा? मामला ये एक फटाके की आवाज हुई, सवारी दसवारा थी उसमें, तो सवारी सब नीचे उसमें बस में आग लग गई। अच्छा, कोई घायल भी है इसमें? घायल वायल की समस्या नहीं समझ में आई अभी। हाँ। तो हो सकता है एक आध घायल। क्या नंबर है गाड़ी का? UP 92 AT 0360। कहाँ से जगमनपुर? उरई से जगमनपुर। कैसा महसूस हुआ जब गोला फटा? वहाँ फटाक की आवाज भी, उठने में सवारी बिलबुला नहीं सब नीचे। तो आपने पीछे देखा होगा कोई सामान पड़ा था व्यक्ति का या कुछ? तो पड़ी रहते थे। हाँ। तो पता नहीं किस बैग से क्या हुआ, बैटरी जरूर एक बड़ी मिली फटी हुई। कितनी बड़ी बैटरी? एक दो एक बोतल मिली है। कितनी बड़ी बैटरी थी? अरे इतनी बड़ी है, मोबाइल वाली। मोबाइल वाली थी। हाँ। अच्छा, और बोतल में क्या था? बोतल में नहीं बता सकते क्या। सर, ये बंगरा में एक हादसा हुआ है बस में, सर क्या मामला है सर पूरा? ये बस में एक थाना माधवगढ़ के क्षेत्र 12:30 के लगभग एक बस में आग की सूचना पे पुलिस गई थी। इसमें दो लोग, एक का हाथ झुलसा है और एक की हल्की सी गर्दन झुलसी है। दो लोग इसमें घायल हुए हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। एक डिस्चार्ज हो गया, दूसरा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसमें तीन बोतल में हमें कुछ केमिकल मिला है और मिट्टी तेल की खुशबू बस में से आए माउंटेन आ गई है। बाकी हमारी फोरेंसिक की टीम पुलिस की आ गई है मौके पर और उसमें सैंपल भी आगे। जी सर, ये बस कहाँ से कहाँ तक के लिए चलती थी सर? ये उरई से जगदम्पुर एक गांव है वहाँ के लिए चलती थी प्राइवेट बस। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।